जय हिंद दोस्तों एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है तो आज का इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे जो कि 8.1 पढ़ना है ठीक है यदि आप लोग ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखिएगा तो आप लोग को यहां से तीन से चार नंबर बनेगा ठीक है तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा सिर्फ आप लोग वीडियो लाइक कीजिए और समझाना हमारा काम है हम इस तरह से समझाएंगे कि थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी जिसका कौन है ठीक है ए बी चौबीस सेंटीमीटर और बी सी सात सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए देखिए तो हम जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं अभी नाम नहीं देते हम लोग ठीक है ये हम समकोण त्रिभुज बना दिए यह आप लोग को पता होगा अब देखिए बोल रहा है कि बी है समकोण मतलब कि रहता है समकोण तो यहां पर मान लेते हैं हम लोग A, ठीक है तो बी तो हम इसको दर्शा देते ठीक है और C, ये C हो गया ठीक है अब देखिए बोल रहा है ए बी जो है चौबीस सेंटीमीटर ए बी यानी कि ये वाला जो है चौबीस सेंटीमीटर है ये चौबीस सेंटीमीटर और बी सी ये वाला है सात सेंटीमीटर कितना है तो सात सेंटीमीटर ठीक है यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा तो बताइए इसका ए का फार्मूला क्या होता है तो एसी बराबर निकालना है तो ए बराबर होता है चौबीस का होल स्क्वायर चौबीस का होल स्क्वायर प्लस सात का होल स्क्वायर फिर अब की बार अंडर रूट ठीक है तो एसी बराबर हो जाएगा चौबीस का होता है पांच सौ छिहत्तर पांच सौ छिहत्तर चौबीस का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोगों को कितना आएगा तो पांच सौ छिहत्तर और उनचास का स्क्वायर कितना सॉरी सात का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग बोलेगा उनचास सात का स्क्वायर होता है उनचास तो अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा ए सी बराबर रूढ़ छे सौ पच्चीस रूढ़ छह सौ पच्चीस तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इसको हम जानते हैं सौ पच्चीस किसका मान होता है तो आप लोग बोलेगा कि होता है पच्चीस का मान तो आपको पता होगा कि पच्चीस किसका मान है तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं ए बराबर पच्चीस और आप लोग ये बात जानते होंगे कि सबसे बड़ा होता है कर्ण सबसे बड़ा होता है क्या तो कर्ण ठीक है अब देखिए अब बोल रहा है साइन ए और कॉस ए साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है ठीक है इधर हम निकालते हैं साइन ए साइन ए और कॉस ए कॉस ए तो साइन ए बराबर क्या होता है तो आप लोग बोलेगा पी वटा यच पी वटा यच और कॉस क्या होता है तो बी वटा यच ठीक है ये सभी आप लोग को पता होगा तो देखिए साइन ए यानी कि ए को हमें ठीटा दर्शाना है ए को हमें ठीटा दर्शाना है और इसके थीटा के सामने वाला होता है पी थीटा के सामने वाला होता है पी और ये यच जो रहता है ये ये वाला अस्थिर रहता है और इसके बगल वाला रहता है बी तो पी बटा तो के सामने वाला जो रहता है तो सात हो जाता है कितना होगा हो सात और यच हमारा कितना आया तो पच्चीस ये वाला यच है तो यच आया पच्चीस ठीक है फिर बी हमें कितना है तो देखिए थीटा ये भी ये ये वाला दर्शा रहा है तो थीटा का सामने पी होता है और उसके बगल वाला बी होता है तो चौबीस बटा पच्चीस चौबीस बटा पच्चीस ठीक है ये पहला का आंसर था ठीक है अब की बार दूसरा का आंसर देखते हैं हम लोग दूसरा का है कि साइन सी साइन सी और कौ सी कौ सी ठीक है यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो देखिए साइन सी साइन वर्ग क्या अभी बताया हम लोग पी बटाइच तो यहां से सी यहाँ मान लेते हैं हम लोग ठीटा ठीक है सी के सामने ठीटा रहता है तो ठीटा के सामने वाला क्या होता है तो पी होता है तो पी तो पी बटा यच और बी बटा तो आप लोग लिखेगा चौबीस बटा पच्चीस चौबीस बटा पच्चीस और सात बटा अब इसके बाद ये वाला बी बन जाएगा जिसका थीटा के सामने सटा हुआ जो रहता है उसे हम बी बोलते हैं ठीक है तो यहां पे हो जाएगा सात बटा सॉरी यहाँ पे देखिए थीटा का सामने होता है चौबीस तो ये हो जाएगा सात बटा पच्चीस सात बटा पच्चीस ये था आप लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर ठीक है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है हमें उम्मीद है कि चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग आपका अगला क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन था आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बोल रहा है कि क्वेश्चन आकृति आठ पॉइंट तेरह आठ पॉइंट तेरह देखिये आठ पॉइंट तेरह आकर्ति यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को यही नहीं मिलता की चित्र कहाँ आए ठीक है जब हम लोग भी क्लास टेन में पढ़ते थे तो चित्र नहीं पता चलता था तो देखिए आठ पॉइंट वन थ्री है जो एट पॉइंट वन थ्री यहां पे आकृति दिया गया ठीक है तो इस यानी कि दो नंबर का आकृति यहां पे दिया गया ठीक है अब देखिए आकृति को जिस तरह से दर्शाया गया उसी हम यहां पे कर देते हैं ठीक है यहाँ पे बारह सेंटीमीटर लिखा है तो बारह सेंटीमीटर तेरा सेंटीमीटर यह तेरह सेंटीमीटर अब देखिए पी क्यू आर और क्यू जो है समकोण है क्यू जो है समकोण है ठीक है तो अब देखिए हमें निकालना है क्यू आर तो 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 12 का स्क्वायर बोलिएगा एक सौ चौवालीस होता है एक सौ चौवालीस होता है और 13 का स्क्वायर होता है एक सौ उनहत्तर दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा पचीस तो रूढ़ पच्चीस किसका मान होता है तो पांच का मान होता है ठीक है तो ये वाला हो जाएगा पांच अब देखिए बोल रहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालिए टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना ठीक है जी तो देखिए यहां पे टेन पी माइनस कॉट आर कॉट आर तो आप लोग पहले बताइए टाइम थीटा का मान क्या होता है तो बोलेगा पी बटा बी पी बटा बी उसके बाद कॉट आर कोट का कितना मान होता है तो बी बटा पी ठीक है बी बटा पी अब देखिए हमें पी थीटा रखना है थीटा का जगह पी रखना मान लेते हैं है, हम यहाँ पे थीटा पी यहाँ पे तो थीटा यहाँ पे अब देखिए पी बटा बी तो थीटा के सामने वाला होता है पी तो पाँच और बगल वाला होता है बी तो पांच बटाई बारह ठीक है उसके बाद कॉट आर तो आर आर अब की बार को थीटा मानना है ये वाला खत्म कर देना है आर का तो हमें चाहिए तो तो पांच ठीक है यहां पे माइनस बोल रहा है आपका क्वेश्चन है पांच बटा बारह ठीठा के सामने वाला होता है पी तो पांच बटाई बारह बताइए आप लोग क्या होगा तो आपका आंसर होगा जीरो बटाई वारा ठीक है जैसे कि देखिए यहां पर बारह कैल्शियम आ जाएगा पांच माइनस पांच पांच में से पांच गया जीरो जीरो बटा बारह तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा चलिए आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन साइन ए बराबर तीन बटा चार तो कौश और टेन ए का मान परिकलित कीजिए ठीक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए देखिए बोल रहा है कि साइन ए साइन ए साइन ए बराबर तीन बटा चार तीन बटा चार देखिये साइन ये पी हो गया और ये एच हो गया तो हमें बी चाहिए हर हाल में ठीक है तो बी हमें तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ तीन का स्क्वायर कितना होता है नो और चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह चार का स्क्वायर होता है सोलह अब दोनों को घटा दीजिए ठीक है तो कितना आएगा रूड सात सात अब बोल रहा है कि कौश टाइन है तो देखिए अब यहाँ पे लिख देते हम लोग पी हो गया तीन बी हो गया चार और सॉरी यहाँ पे यहाँ पे एच हो गया कितना एच हो गया सात एच हो गया चार और यहाँ पे देखिए बी अब हमें निकालना है तो बी निकाले हम लोग कितना आया आया चार रूड सात रूड सात ठीक है तो अब देखिए अब हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा आपका क्वेश्चन कौश ए और टेन ए कौश ए और कौश और टेन है ठीक है तो कौश का क्या होता है तो बी बटा याच तो बी कितना आया रूढ़ सात रूड सात और बटा चार ये आपका आंसर हो गया और दूसरा आंसर है टेन है तो टेन पी बी होता है पी बटा बी तो पी हमारा कितना आया तीन और बी कितना आया रूढ़ सात तीन बटाई रूढ़ सात ठीक है ये आप लोग का तीसरा क्वेश्चन का आंसर था चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है आप लोगों की पंद्रह कोट ए बराबर आठ हो तो साइन ए और ए का मान निकालिए ये देखिए पंद्रह पंद्रह कोट ए बराबर आठ सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं उसके बाद जो भी निकालने के लिए बोल रहा वो हम निकालेंगे ठीक है अब देखिए पंद्रह को हम इधर गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में तो कॉट ए कॉट ए बराबर हो जाएगा आठ बटा पंद्रह आठ बटा पंद्रह देखिए तो कोट का अभी हम बताएं देखिए पे कॉट का बी बटा पी होता है तो अब स्क्वायर तो करके जोड़ दीजिए तो पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है तो दो सौ पच्चीस पंद्रह का स्क्वायर होता है दो सौ पच्चीस और आठ का होता है चौसठ जोड़िए दोनों को तो आएगा दो सौ नवासी दो सौ नवासी किसका है तो आप लोग बोलिएगा ये होता है सत्रह का किसका होता है तो सतराह का ठीक है ये वाला आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आप लोग माइनेज कीजिएगा यदि देखिए यहाँ पे पंद्रह का स्क्वायर निकालना है तो दो सौ पचीस हमें डायरेक्ट निकाल दिए और आठ का स्क्वायर कितना होता है तो चौसठ दोनों को जोड़ कर दिए तो आया दो सौ नवासी यानी कि सतराह तो यच हमारा कितना आ गया सतराह तो बी हो गया ये वाला बी हो गया और ये वाला पी हो गया ठीक है ये वाला पी अब हमारा यच कितना आया तो यच आया सतराह अब हमारा बोल रहा है क्या निकालने के लिए साइन है और सेक है तो साइन है बराबर क्या होता है आप लोग बोलिए तो साइन है बराबर पी वाएच होता है पी वा यच तो हम पी कितना है? हमारा पी है पंद्रह और यच कितना आया है सतरा पंद्रह बटा सत्रह ठीक है पंद्रह वटा सत्रह अब की बार बोल रहा है सेक है सेक है तो कौश का उल्टा सेक होता है कौश का उल्टा सेक होता है तो कौश का उल्टा होता है बी वा यच यानी तो उसका उल्टा करेंगे तो यच वटा बी होगा यच वटा

शेक थीटा, शेक थीटा, देखिए यहां थीटा शेख थीटा बराबर तेरा बटा बारह से तो बोल रहा है कि देखिए हो तो अन्य त्रिकोण मितियों अनुपात परिकलित कीजिए अन्य त्रिकोण मतलब त्रिकोण का जो टेबल है वो छे है ठीक है साइन थीटा, कौन थीटा, थीटा कौश थीटा, थीटा और शेख थीटा तो देखिए ये वाला जो है यहां पे एक तो नियम याद रख लीजिएगा जैसे देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा थीटा ठीटा थीटा कौ थीटा को उल्टा सेक थीटा टैन थीटा को कौ उल्टा को थीटा टैन थीटा को उल्टा क्या होता है कौ थीटा कौट थीटा ठीक है ये वाला बात आप लोग को ध्यान में रखना है तो देखिए यहाँ आप पे सेठ थीटा को हम कौष थीटा लिख सकते हैं तो से थीटा सेठा थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है तो कौश थीटा बराबर बोलिएगा आप लोग बी बटा यच होता है तो सेठ थीटा का क्या होगा तो सेठ थीटा का उलट दीजिएगा जो नीचे रहेगा उसको ऊपर कर देना जो ऊपर रहेगा उसको नीचे कर देना है तो आपको जो नीचे यच तो यच को ऊपर कर देंगे ऊपर वाला को नीचे कर देंगे यानी एच बटा बी तो आप लोग को पता चल गया कि ये जो है यच है और ये जो है बी है ठीक है अब हमें निकालना है पी क्या निकालना है तो पी निकालना है अब दोनों को घटा देते हैं तो तेरह का कितना स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा एक सौ तेरह का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग का आएगा एक सौ उनहत्तर और बारह का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग को आएगा एक सौ चौवालीस दोनों को घटा देना है ठीक है ये वाला बात आप लोग को पता होगा हो पांच और दो यानी कि पच्चीस तो रूढ़ पच्चीस किसका मान होता है रूढ़ पच्चीस किसका मान होता, होता है तो आप लोग बोलिएगा कि होता है पांच का तो अब हमें पी जो निकालना था पी बराबर हमारा आ गया पांच ठीक है पी हमारा आ गया पांच

पांच तेरा बटा पांच देखिए अब कौषा को अब निकालना नहीं है दिमाग नहीं लगाना है कौस्टिटा को एक बार सबसे पहले कौष्टिटा लिखिए तो कौस्टिटा बराबर इसको उलट देना है तो बारह बटा तेरा बारह बटा तेरह उसके बाद सेठा तो निकला हुआ है तो सेठ ठिटा बराबर लिख दीजिएगा तेरह बटा बारह क्वेश्चन ही ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब निकालना है टैंट हीटा टेंट हिटा टेंट हिटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा बी पी बटा बी तो पी हमें कितना आया पी आया जो पांच है और बी कितना आया तो बारह आया पांच बटा ही बारह उसके बाद टेन थीटा, थीटा इसका उल्टा कर देना है हम लोग तो बारह बटा पांच बारह बटा पांच तो आप लोग को पांच क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके इस वीडियो में ठीक है चलिए तो आप लोग को पांच क्वेश्चन समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप लोग नेक्स्ट पार्ट लाइए इसका तो चलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद